Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations rupees 100, rupees 50 and rupees 10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is rupees 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? तो यहाँ पे हम रेशियो देख लेते हैं. रेशियो है 2:3:5. तो जो रेशियो से हम अगर उसको करें तो उसके पास रुपीज 100, रुपीज 50 और रुपीज 10 रिस्पेक्टिवली हैं. तो लेट द number of rupees 100, rupees 50 and rupees 10 notes be 2x, 3x and 5x respectively. तो जो ने रेशियो दिया था उसके पास जो denominations है उस रेशियो में respectively वैसे लगा दिए. तो अब कन्वर्ट करेंगे और सारे डिनोमिनेटर्स इनटू रुपीस जितने हमारे पास. तो 2x इनटू 100, 3x इनटू 50 एंड 5x इनटू 10 दैट इज 200x. तो एज पर कंडीशंस क्या है हमारे पास यहाँ पे 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल्स टू 4 लाख ऐसा क्वेश्चन में दिया है. तो 400x इन सबको ऐड करके 4 लाख हो गया. तो ट्रांसपोज करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 4 लाख डिवाइडेड बाय 400 क्या होगा 1000. यहाँ पे ट्रांसपोज किया है 400 को तो फिर 1000 आया. तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं? ये तो नंबर ऑफ नोट्स नहीं थे ये रुपीज 100, ये जितने नोट्स हैं उनके डिनोमिनेशन से, मतलब 100 के एक्स नंबर नोट्स होंगे, 50 के एक्स नंबर नोट्स होंगे. तो 10 के तो पता चल गया 10 के 1000 नोट्स है. तो रुपीज 100 के नोट्स कितने होंगे 2 × 1000 इक्वल्स टू 2000. दूसरे की यहाँ पे जगह नहीं है. 2 × 2000 2000 होंगे हमारे पास 100 के नोट्स. और रुपीज 50 के नोट्स 3 × 2000. 3 और 2 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डिनोमिनेशन यहाँ पे रेशियो 2:3:5 दिया था इसीलिए. और 3 × 1000 इक्वल्स टू 3000. और 10 के कितने नोट्स हैं हमारे पास? 10 के नोट्स हैं 5 × 2000 क्योंकि यहाँ पे 2:3:5 था ना, 5000. और ये जो रुपीस थे वो रुपीस 100 के नंबर ऑफ नोट्स थे. रुपीस 100 उनका डिनोमिनेशन था और उसके जितने भी नंबर ऑफ नोट्स थे वो ये हैं 2000, 3000 और 5000. बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये. तो अभी के लिए इतना ही.